सक्सेसफुल फार्मूलास का देखते हैं कि सक्सेसफुल लोग कैसे बने। उसका फार्मूलास में मैंने पहले जाना कि वो लोग बोलते हैं कोई भी चीज़ करने के पहले आप किसी से परमिशन लेते हो या परमिशन के लिए वेट कर रहे हो तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं बन सकते हो। आपको हर परमिशन तोड़ के आना पड़ेगा। कुछ करने के लिए आपको इतना जल्दी परमिशन नहीं मिलता है। मैं घर पे मम्मी से, डैडी से, हस्बैंड से, वाइफ से, पर्टिकुलरली गर्ल्स को परमिशन नहीं लेना है। यू नो वो उसको पहले आपको पार करके आना पड़ेगा। सो दैट इज़ अ सक्सेस फार्मूला का एक अंग है। सक्सेसफुल होने के लिए लोगों को एक ज़बरदस्त ये करना पड़ता है। लाइक उनका पूरा ज़िंदगी का रिस्पॉन्सिबल वो खुद लेना चाहिए। जो भी होता है ज़िंदगी में उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। ओके अगर आपके ज़िंदगी में पैसा नहीं है उसका रिस्पॉन्सिबल आप हो। अगर आपकी फैमिली में पापा ठीक नहीं है, मम्मी ठीक नहीं है, खानदान उस तरह का है नहीं है, या फिर घर अच्छा नहीं है, है ना, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो, लेकिन उसका जिम्मेदार आप हो। ऐसा अगर आपका फ्रेंड्स आपकी बात मानते नहीं है उसका रिस्पॉन्सिबल आप हो, क्योंकि आप उस तरह का अपने आप को कभी प्रूफ नहीं किए कि वो लोग आपके ऊपर भरोसा करें या आपकी बात को मानें, उसका आप जिम्मेदारी हो। आपका बेटा बराबर पढ़ाई नहीं करता है उसका जिम्मेदार आप हो। आपकी वाइफ या हस्बैंड आपसे बार बार झगड़ा होता है, आप लोग एक साथ नहीं हैं, आप लोग जम नहीं रहे, सिचुएशन अच्छा नहीं हो रहा है, उसके जिम्मेदार आप हो। मुझे मैंने बहुत कुछ किया लेकिन ये ऐसा नहीं कर रही है, मैंने बहुत कुछ किया लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा है ना, जो भी होगा। लेकिन अगर आपको ये सब करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है तो मतलब आप कुछ गलत कर रहे हो, या आप उतना जितना करना है उतना नहीं कर रहे हो। आपको और सीखना पड़ेगा कितना बेस्ट करें, कितना अच्छा करें, ये आपको और सीखना पड़ेगा। ठीक है, ये एक कौन है। तो ज़िंदगी में रेस्पॉन्सिबल आप लोगे तो ज़िंदगी आप उसमें आगे बढ़े से। आप जितना भी सक्सेसफुल पीपल को देखेंगे या जो तरक्की किए हैं वो कभी किसी के ऊपर ब्लेम नहीं किए होंगे वो, या कभी ये हुआ वो हुआ ऐसा नहीं, वो बस चलते रहते हैं और हर चीज़ को फेलियर का भी मानते नहीं हैं और ना एक्सक्यूज़ का भी मानते नहीं है ना, ये गलत है वो गलत है, ये कंपनी बराबर नहीं है वो बराबर नहीं है, नहीं नहीं वो खुद लेके चल पड़ते हैं और चलते हैं और करके दिखाते हैं। तो अपना पहला आपको मेन चीज़ समझना पड़ेगा कि टेक अ कंप्लीट रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर लाइफ। ये आप बहुत सारे बुक्स पढ़ सकते हैं। मैंने एक बुक पढ़ा था जैक कॉनफील्ड का, उसमें उसका पहला बुक ही यही है कि यू नो टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। मेरे को ये सब चीज़ समझ में नहीं आया, मैं बोला एकदम लाइटली लिया, लेकिन जब मैंने उसको रिस्पॉन्सिबल मैंने अपने आप को ठहराया कि इसका जिम्मेदार मैं हूँ, और अच्छा भी हुआ बुरा भी हुआ उसका भी जिम्मेदार मैं हूँ, तो ये मैंने रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चालू किया तो बहुत ही फ़र्क पड़ा। मेरा जो काम करने का तरीका, सोचने का तरीका, ये सब चीज़ में बहुत फ़र्क पड़ा, क्योंकि मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ। मैं किसी को उंगली नहीं दिखा सकता उसने किया इसने किया नहीं। तो पहले सक्सेसफुल होने के लिए आपको पहले उंगली दिखाना छोड़ना है और बाकी लोग जितना भी प्रयोग उसका जिम्मेदार आप हो उसका आपको सीखना पड़ेगा या करना पड़ेगा, या तो फिर वो करने के रास्ते पर चलना पड़ेगा, देन विल बी सक्सेसफुल। एक फार्मूला है सक्सेसफुल पीपल का, कंप्लीट रिस्पॉन्सिबल ऑफ देयर लाइफ, जिम्मेदारी, अपना जिंदगी का जिम्मेदार मैं हूँ और कोई नहीं हो सकता है, ये वाक्य आपको याद रखना है। थैंक यू।